अस्सलाम वालेकुम नाज़ जी, आज हम बनाने जा रहे हैं पुलाव। ये हम एक रेसिपी मैंने यूट्यूब पे देखी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी कौन फूड वालों की, तो उनसे मैं इंस्पायर होके बना रही हूँ। तो रेसिपी मेरे अपने अंदाज में, इंस्पिरेशन उनसे। तो ये मैंने 4 टमाटर लिए हैं और 15-20 हरी मिर्चें लिए हैं, इनको चॉपराइज कर लूँगा। ये देखिए हमारे पास जीरा है, दालचीनी, लौंग, 2 बड़ी इलायची, थोड़े से बादियान के फूल और काली मिर्चें, ठीक है। ये हम पहले तेल में डालेंगे, आधा कप ये बॉयल है क्योंकि मेरे पास 2 कप चावल है, मैं ज्यादा नहीं बना रही हूँ, और चिकन तकरीबन मेरे पास 1 किलो के करीब है, ठीक है। ये हो गया, तेल में टेस्ट आ गया। इसमें 1 टेबल स्पून भर के हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ठीक है। इसके साथ ही हम डालेंगे आधा कप कली प्याज, ठीक है। अब इसके साथ थोड़ा सा भूनेंगे, कली प्याज के साथ ही ये जो 4 टमाटर और हरी मिर्चें मैंने की थी ये भी डाल देंगे। और उसके साथ ही डालेंगे 2 चम्मच ये पंजाबी पुलाव मसाला है, ये मेरे पास पड़ा हुआ था, ये डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। साथ में डालेंगे 1 चम्मच नमक, ठीक है, और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च। ये मेरा अपना वर्जन है, अपने मतलब इंस्पायर उनसे हुई हूँ लेकिन बना मैं अपने वर्जन में रही, ठीक है। ये हो गया, अब इसमें डालेंगे हम 1 कप पानी ताकि थोड़ा सा इसका प्याज का कलर छूट जाए और ये मसाला अच्छा सा हो जाए। ये मैंने इमली 2 टेबलस्पून भिजाई हुई थी, अब इसमें 1/2 कप दही डालूंगी। 1/2 कप दही और 2 टेबलस्पून इमली को मिक्स करेंगे और इसे भी वो प्याज और टमाटर के मिक्सचर में डाल देंगे। ये इसको डाल दी, इसको भी अच्छी तरह चलाएंगे। ये देखिए दही और इमली के साथ चलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 kg के करीब चिकन। चावल मेरे पास 500 ग्राम है, मैं मुर्गी का डबल डाल रही हूँ। अब इसको खूब अच्छी तरह भूनेंगे, अच्छी तरह भुन जाती है। उसमें फिर पानी डाल के, 2 कप मेरे पास चावल हैं तो तकरीबन 3-3.5 कप में पानी डालूंगी, उसको पकने दे। देखिए चिकन भुन चुकी है, अब इसे हम 3 कप के करीब डालेंगे पानी और इसको ढक्कन लगा के धीमी आंच पे गलने को छोड़ देंगे। ये वही दही वाला प्याला था, इसी के अंदर मैंने डाल दिया पानी करके, अब इसको ढक्कन लगा के धीमी आंच पे पकने देंगे। लेकिन ये चिकन हो गई, पुलाव जो हम बना रहे थे, अब इसके अंदर हम डालेंगे राइस, ठीक है, और पानी वगैरह मैंने पहले ही डाला हुआ था, आपको बता दिया था हिसाब किताब पानी का। अभी राइस डालते हैं, इसको मिक्स करते हैं। देखिए पानी के हिसाब हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये मिक्स करेंगे, 2-3 हरी मिर्चें ऊपर से डालेंगे, अभी इसको खुला पकाएंगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद इसको दम करेंगे। 5 मिनट के लिए खुला पकाएंगे, जब ऊपर से पानी नजर आना बंद हो जाएगा तब फिर हम इसको दम पर डालेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर आना शुरू हो गया ना पानी, अब हम क्या करेंगे,
पे लगाएंगे ढक्कन और इसको बिल्कुल धीमी आंच पे 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए जी, मजेदार सा पुलाव बन के तैयार है। आपको इसको उठा के भी दिखा देती हूँ। देखिए कितना जबरदस्त सपना है। आप भी खाइए, बनाइए, एंजॉय कीजिए, हमें जरूर बताइए आपकी रेसिपी कैसी बनी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। ये देखिए जनाब, मजेदार सा यखनी पुलाव बन के तैयार है और आप भी खाइए, एंजॉय कीजिए। चावल देखें जरा, मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ। एक एक चावल देखें, माशाल्लाह किले किले बेहतरीन, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप भी ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी। ये सिंपल चिकन पुलाव, इसमें बहुत सौंफ है ना, धनिया है, कुछ नहीं है। सिंपल सा चिकन पुलाव बनाया हमने, आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। बहुत ही लजीज बना हुआ है, मैं आपको खा के दिखा रही हूँ। इतना मज़ा आ रहा है खाने में, आपको क्या बताऊँ। बिल्कुल डिफरेंट, अभी तक मैंने जितने पुलाव आपको सिखाए हैं उनमें ये बिल्कुल डिफरेंट है। ज़रूर बनाइएगा आप लोग।